हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से बनते हैं वो आपके बनते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर व्हाट इज एफडीआई। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है शॉर्ट व्हाट डिफाइन एफपीआई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन शॉर्ट बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। फिफ्थ आपका बनता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सिक्स्थ आपका एक्सप्लेन द टर्म ओली OLI। ठीक है, ये आपका बन गया सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन के बारे में। सेवन्थ क्वेश्चन आपका बनता है शॉर्ट व्हाई डू फर्म्स इन्वेस्ट अब्रोड। तो गाइस, जो ये मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ ये आपके फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि आपका जो चैप्टर है वो एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाई डू फर्म इन्वेस्ट अब्रोड, ये हमने कर लिया। एट्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट टाइप्स बताने हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में, गिव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन होस्ट कंट्री। तो अब गाइस, आपका क्वेश्चन बनता है टेंथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो बनता है राइट ब्रीफ नोट ऑन करंट ट्रेंड बिटवीन एफडीआई एंड इंडिया। अब गाइस, हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो आपका जो ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो बनता है, फर्स्ट बनता है डिस्कस द वेरियस इंसेंटिव्स दैट आर बींग ऑफर टू अट्रैक्ट एफडीआई इनटू इंडिया। ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स यूज़ कर रही है ताकि जो इंडिया में एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, बाहर की कंट्री की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या क्या इंसेंटिव यूज़ किए गए हैं वो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका सेकेंड, यूजिंग सुटेबल थ्योरीज एक्सप्लेन द रीज़न वाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन बाय कंपनीज। ठीक है, थ्योरीज आपको इस पे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इफेक्ट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फोर्थ क्वेश्चन गाइस आपका बनता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो डिस्कस द एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताना है, साथ ही साथ इसमें आपको उसके एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग बतानी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका बनता है, ये इसमें आपको एक वो दे दी है स्टेटमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड गिव सजेशन टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है एक्सप्लेन द वर्णन थ्योरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरी। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चन थे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।